स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 23वां पार्ट है और आपको पता है कि ये मध्यकाल चल रहा है और काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग आंसर भी कर रहे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, इसको क्विज के रूप में भी लें, ये 2-in-1 है, और क्लास के रूप में भी लें, क्विज के रूप में भी लें। एक बार जब आप लिख लेते हैं, लिखने के बाद दूसरी बार सुने और अपना मूल्यांकन करें कि आप कितना प्रश्न कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और 9 वर्ष की अवस्था में अकबर पहली बार कहां का सूबेदार बनाया गया था? पांच सेकेंड में आप उत्तर किया करें। गजनी का सूबेदार बनाया गया था। और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 56 को 13 वर्ष की अवस्था में 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष की अवस्था में किस जगह पर हुई? 5 सेकंड में उत्तर करें। कालानौर। अकबर के अल्पायु होने के कारण अकबर का साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी और उसका साथ 1556 से 1560 के बीच किसने दिया था? बैरम खां। साम्राज्य में बैरम खां अकबर की मदद 1556 से 1560 में, 1560 के बाद बैरम खां का पतन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और बैरम खां की मृत्यु कब होती है? में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, एक लुहानी अफगान ने छुरा भोंक कर उनकी हत्या कर दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस तारीख को होती है? पानीपत की दूसरी लड़ाई, 5 सेकंड में उत्तर करें। 5 नवंबर 1556। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 को होती है, किनके किनके मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये आदिलशाही हिंदू प्रधानमंत्री था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और आदिलशाही वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में 22 लड़ाई जीती थी। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की? आदिल शाह ने।
अकबर के अपने सैन्य अभियानों में सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली? राजस्थान में मिली। और स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? द्वितीय गुजरात अभियान। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? 5 सेकंड में उत्तर करें। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? June 18, 1576। अकबर के समय में बने हरम दल के सदस्य कौन थे? हरम दल के सदस्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें माहम अनगा, आदम खां, मुनीम खां, शहाबुद्दीन, अहमद खां, ये सब हरम दल के सदस्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान किसे माना जाता है? असीरगढ़ का अभियान। अकबर ने मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन्निशा को कहाँ का गवर्नर बनाया? 5 सेकंड में उत्तर करें। बख्तुन्निशा काबुल का। एक प्रश्न आया था पीसीएस का है, अकबर के सैन्य अभियानों का कालक्रम से सजाइए। अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम से सजाइए, तो आपको पता है असीरगढ़ सबसे लास्ट में है, तो सबसे पहला है मालवा, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है हल्दी घाटी, उसके बाद है कश्मीर, फिर है सिंध, फिर है असीरगढ़। मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध, असीरगढ़। और हुमायूं का भी एक बार देख लेते हैं। हुमायूं का युद्ध का क्रम एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले है कलिंजर, फिर है दोहरिया, कलिंजर, दोहरिया, चुनार, चौसा, बिलग्राम। कलिंजर, दोहरिया, चुनार, चौसा, बिलग्राम। चौसा जो 39 में लड़ा गया था, शेरशाह जीते थे, बिलग्राम करीब 40 में। तो कलिंजर, दोहरिया, चुनार, चौसा, बिलग्राम। और अकबर का रट जाइएगा इसको, मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध, असीरगढ़। पूछा जाएगा आपसे पहला कौन था, अंतिम कौन था, क्रम कौन था, तो इसको, इसका कोई उपाय नहीं है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन एवं पुर्तगालियों से भेंट कहां पर किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैम्बे खंबात, नेक्स्ट।
धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना कहाँ पे की? 1575 में इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सिकरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का प्रथम विजय कौन सा था? पांच सेकेंड, अभी बताया गया था आपको, आता है ये प्रश्न, मालवा 1561, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ अकबर का अंतिम विजय, ये भी अभी तुरंत गुजरा है, कौन सा था? असीरगढ़ 1601, 1561 और 1601 के बीच में 40 साल का डिफरेंस, 40 साल अकबर लड़ता रहा, 1561 पहला विजय मालवा और आखिरी विजय असीरगढ़। और नेक्स्ट, हाँ, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान में मारे गए? पांच सेकेंड में उत्तर करें। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण, ऐतिहासिक अकबर के ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण स्मिथ ने किस युद्ध के बारे में कहा? पंद्रह सौ 1573 में अकबर द्वारा गुजरात में किए गए दूसरे आक्रमण को स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा, 1573 में गुजरात में किए गए दूसरे आक्रमण को कहा। आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, रॉल्फ फिच ने कहा था, रॉल्फ फिच ने कहा था। अकबर सलीम को क्या कहकर पुकारते थे? पांच सेकंड में उत्तर करें। शेखू बाबा कहकर के पुकारते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू आप लोग, हाँ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।